हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक बत्रा और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। और आज की इस वीडियो का पर्पस है पीटी रीडिंग। अगर आप भी पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो रियली में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो भी स्टूडेंट जिनके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक आता है, ये वीडियोज उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक SSC है, बैंकिंग है, या बहुत सारे एग्जाम्स हैं, फिल इन द ब्लैंक हर एग्जाम में आता है, पीटी में भी आता है। तो किसी भी एग्जाम में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ये वीडियो बहुत काम आने वाली है उनके। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ से हम समझेंगे, कुछ ट्रिक्स समझेंगे, टेक्निक समझेंगे, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है फिल इन द ब्लैंक्स को। देखो, यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पूरा का पूरा क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन हमारे को लगता है कि करेक्ट है उसमें से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले, हाइपरग्लू इज वन ऑफ द मोस्ट डैश इंस्टेंट एडहेसिव्स अवेलेबल इन द मार्केट। जो हाइपरग्लू है ये एक मतलब कि एडहेसिव है। एडहेसिव क्या होता है, चिपकाने वाला, जोड़ने वाली, जैसे फेविकोल हो गया वो एडहेसिव है, ऐसे हाइपरग्लू के सबसे ज्यादा मोस्ट डैश इंस्टेंट एडहेसिव है। इंस्टेंट तुरंत काम करने लगा पे इंस्टेंट होता है। दिस पॉपुलरिटी इज प्राइमरली ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ग्लू डैश टूगेदर। ये पॉपुलरिटी उसकी इसलिए है क्योंकि उसमें काबिलियत है कि वो जोड़ सकते हैं चीज़ों को साथ में, ग्लू टूगेदर। हॉबिस्ट स्टूडेंट एंड इवन प्रोफेशनल प्रेफर यूज इट इन द ऑब्जेक्ट टू डैश टाइम। हाउएवर, हाइपरग्लू हैज एन डैश शॉर्ट शेल्फ लाइफ एज इट्स प्राइमरी इनग्रीडियंट साइनोएक्रिलेट ड्राइज अप इजिली। तो यहाँ पर क्या है, एक ग्लू की बात हो रही है जिसका नाम है हाइपर ग्लू, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह का एडहेसिव है। पहले हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे आइडिया क्या है, हमारे जो पूरा पैराग्राफ उसका आइडिया क्या है। ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये ना फटाफट चीज़ों को जोड़ देता है, ठीक है ना। और हॉबीस्ट स्टूडेंट प्रोफेशनल भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और हाइपरग्लू क्या है, इसकी लाइफ शॉर्ट होती है क्योंकि इसमें एक तरह का इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है साइनोएक्रिलेट, जो कि सूख जाता है आसानी से। तो ये हमने 3-4 पॉइंट इसके बारे में पढ़े हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें क्या करना है, हमें वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से हमें लगता है कि गारंटीड हमें मालूम है कि आंसर आएगा ही आएगा, करेक्ट आएगा। थोड़ा समझते हैं। देखो, एक तो ना यहाँ पे एन लिखा हुआ है। देखो, कभी भी आपके सामने आर्टिकल लिखे ना ए या एन और आगे आपका ब्लैंक पड़ा हो तो इसमें नाउन आ सकता है, और नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, यानी कि एस या ईएस नहीं आएगा, क्योंकि ए या एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो इसमें क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, और क्योंकि एक है इसलिए एस नहीं लगेगा। जैसे अ बॉय होगा, जैसे क्या है, अ बॉय, एन एप्पल, तो ये सिंगुलर है। आप ऐसे नहीं कह सकते अ बॉयज नहीं कह सकते, क्योंकि ए तो सिंगुलर है और बॉयज ज्यादा हो गए तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप एन एप्पल्स नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो हमने एक तो छोटी सी बात क्या सीख ली कि अगर ए या एन लिखा मिलेगा इसके आगे क्या आएगा, नाउन आएगा, और वो क्या होगा, सिंगुलर नेचर का होगा। तो यहाँ पे देखो एन आ रहा है। अब देखो एन कब आता होता है, जब नाउन की स्टार्टिंग स्वर यानी कि वॉल से हो। स्वर का हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल। देखो वॉल्स क्या होते हैं, देखो एन के बाद कैसा नाउन आएगा, जब हमारे शब्द वो नाउन आएगा जिसका फर्स्ट जो साउंड है वो स्वर होगा या वॉल होगा। अब स्वर क्या होते हैं, देखो हिंदी में ना क्या है, अ आ ए ए ई ई ओ ओ उ उ। अगर हिंदी में ऐसी साउंड आ रही है और इंग्लिश में भी ये साउंड आती है, इनको, इन साउंड्स को क्या बोलते हैं, वॉवल्स बोलते हैं। जैसे इनको क्या बोलते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि किसी भी शब्द की स्टार्टिंग अ साउंड से हो, आ साउंड से हो। जैसे अ एप्पल, तो एप्पल की क्या है, ए, ए से स्टार्ट हो रहा है। एलिफेंट भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग इन साउंड से होगी, अ आ ए ए ई ई उ उ ओ ओ, तो इसके आगे मीन्स नाउ एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। आई थिंक तो समझ आ गया होगा। अब देखो,
अब यहां पर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इसका मतलब आगे वो नाउन आएगा जिसकी स्टार्टिंग साउंड अ आ ए ए ई ई उ ऊ ओ ओ आएगी। अब देखो यहां पे क्या लिखे है, पॉपुलर, ये तो प से स्टार्ट हो रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये है सेव, ये स से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। या तो आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ओ से हो रही है, या आ रहा है ई, ठीक है ना, एक्सट्रीमली, एग, एग की साउंड आ रही है एक्सट्रीमली, तो या तो आंसर ऑब्जेक्ट होगा या एक्सट्रीमली होगा। लेकिन देखो एक्सट्रीमली जो वर्ड है ये एडवर्ब है, एक्सट्रीमली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। कैसे पता लगा, एलवाई आ गया, एलवाई वाले वर्ड अधिकतर क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, तो ये एडवर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है। अब हमें पता है कि एन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, एडवर्ब नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह से हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, एन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, देखो एन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये हमारा फर्स्ट कवर हो गया, यहाँ पे आ गया एन ऑब्जेक्ट। अब देखो दूसरी बात समझते हैं, देखो हाइपरग्लू इज वन ऑफ द मोस्ट डैश इंस्टेंट एडहेसिव। देखो कभी भी आपके सामने मोर लिखा मिले या मोस्ट लिखा मिले ना, ये एडजेक्टिव्स को शो करते हैं, यानी कि इसके अगला शब्द हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। कभी भी आपके सामने मोर या मोस्ट लिखा मिले तो इसके जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। अब देखो सेव, सेव का तो एक क्रिया होता है बचाना, देखो जब हिंदी में कोई शब्द ना पेंड करेगा ना वो वर्ब होता है, तो सेव का मतलब कहते हैं बचाना, तो ये वर्ब बन रहा है। और एक्सट्रीमली क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो हमने यूज कर लिए, तो पॉपुलर क्या होता है, एडजेक्टिव, पॉपुलर क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो देखो मोस्ट के बाद पॉपुलर, यानी कि एक ही ऑप्शन रहता है, यहाँ पे पॉपुलर आएगा, ठीक है ना। इंस्टेंट एडहेसिव अवेलेबल इन द मार्केट, जो हाइपरग्लू है वो सबसे पॉपुलर एडजेक्टिव है, पॉपुलर एडहेसिव जो कि मार्केट में है। दिस पॉपुलरिटी प्राइमरीली टू इट्स एबिलिटी टू ग्लू, कि वो जोड़ देता है। देखो जोड़ेगा किसको, देखो ये वर्ब है, देखो कभी भी कोई भी वर्ब आ गया ना, देखो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, छह फॉर्म होते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, देखो वर्ब क्या होता है, देखो दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी काम है ना, कोई भी एक्शन है, वो क्या है, वर्ब है। जैसे खेलना, जैसे कोई लड़का है मान लो, अब ये क्रिकेट खेल रहा है तो ये वर्ब है। ऐसे ही मान लो ये कोई लड़की है, ये खाना बना रही है, तो ये भी क्या है, वर्ब है। तो दुनिया में कोई भी काम चल रहा है वो वर्ब होता है। ऐसे खेल रहे तो क्या लिखेंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज टू प्ले, प्लेइंग, प्लेज टू प्ले। ऐसी खाना बनाने के लिए क्या लिखते हैं, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स एंड टू कुक। देखो ये वर्ब के छह फॉर्म्स होते हैं। देखो कभी भी कोई भी वर्ब आए, कोई भी वर्ब आए और अपने को इसके आगे ब्लैंक पढ़ाओ, तो ध्यान रखना वर्ब के आगे ना क्या आएगा, नाउन भी आ सकता है और वर्ब के आगे एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा आंसर, तो वर्ब के आगे कोई भी फॉर्म पढ़ाओ वर्ब का, चाहे फर्स्ट फॉर्म पढ़ाओ, चाहे सेकेंड फॉर्म पढ़ाओ, चाहे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो कोई भी वर्ब की फॉर्म आए उसके आगे क्या आ सकता है, या तो नाउन आ जाएगा या एडजेक्टिव प्लस नाउन, और प्रोनाउन एक ही बात होती है, प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। और एक रेयर केस होता है, वर्ब के बाद वर्ब भी आ सकती है। तो अब देखो अपन आगे देखते हैं, पर 99% इनमें से आंसर होगा, यानी नाउन प्रोनाउन में से आंसर होगा। अब देखते हैं, देखो हमारा आंसर क्या है, देखो हाइपर ये हमने फर्स्ट तो कर लिया, द पॉपुलरिटी इज प्राइमरली ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ग्लू। देखो टू ग्लू क्या है, सिक्स्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू प्ले, टू इट जोड़ने के लिए लिखा जा रहा है, तो आगे क्या आएगा, नाउन आएगा। अब देखो सेव वर्ड तो क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, तो यहां पे क्या आएगा, टू ऑब्जेक्ट, ग्लू ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या आएगा, सेव, टू सेव टाइम। देखो टू के बाद देखो सेव, टू सेव टाइम आएगा सीधा,
तो इस तरह से आप मतलब कि फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने रीड करना है अच्छे से, फर्स्ट क्या है रीड करो, फिर क्या जो फिल होते हैं उनको फिल कर दो, फिर दोबारा रीड करो एक बारी, इतने में आपके ना मीन्स काफ़ी हो जाएंगे, फिर आप ग्रामर का यूज़ कर सकते हो। और आपने मीनिंग जरूर ध्यान रखना है, बिना मीनिंग के दिक्कत आएगी आपको। यू मस्ट कीप मीनिंग इन द माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आई गेस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ, और हमारी ऐप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।